हम लोग इस वीडियो पे प्रैक्टिकल वर्क का इम्पॉर्टेंस क्या है उसी के बारे पे ही डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपके शॉर्ट टाइप आंसर पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहला हमारा देखो इंट्रो देखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ साइंस टीचिंग। देखो आपके NCF के अकॉर्डिंग पे भी यही मतलब इनकरेज किया जाता है कि सारे स्कूल और सारे टीचर को लर्निंग बाय डूइंग को ही इनकरेज करना चाहिए। मतलब हमेशा बच्चा कुछ करके ही सीखना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ किताब से ही उसका मतलब लिमिटेड हो जाए उसका लाइफ। हमेशा कुछ करके ही उसको सिखाना चाहिए। जैसे आप अपने क्लास पे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप एक लिटमस पेपर ले आ सकते हो और लिटमस पेपर के सहारे आप बता सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मतलब जितना हो सकता है उतना आप बच्चों को कुछ दिखा के कुछ करा के उनको सिखाओ। ओके, सिर्फ किताबी बातें उनको मत सिखाओ जितना हो सके। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कोई टॉपिक है जो मतलब बहुत ही पैसा खर्च कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब वहीं पे आप वो ये बोलोगे कि लर्निंग बाय डूइंग ही मैं सिखाऊंगा। जितना हो सकता है आप बच्चों को कुछ करा के कुछ दिखा के उनको सिखाओ। ओके, देन देखो ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। लर्निंग बाय डूइंग इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ साइंस टीचिंग, इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ साइंस एजुकेशन। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, मतलब हार्ट सोल सब कुछ है साइंस एजुकेशन का। टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस। साइंस पढ़ना मतलब साइंस को करना। बिना साइंस को किए आप साइंस को लर्न नहीं कर सकते। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ लर्निंग साइंस। साइंस को अगर सीखना है तो बिना कुछ किए अगर आप चाहते हो कि साइंस मैं सीखूं तो ये इम्पॉसिबल है। रिमार्क डॉक्टर KS कोठारी, ये डॉक्टर KS कोठारी ये मतलब ये बोले हैं कि देयर इज़ नो अदर वे ऑफ लर्निंग साइंस। द टीचिंग ऑफ साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्किंग इन द लेबोरेटरी एज द प्रैक्टिकल वर्क इज इम्पॉर्टेंट इन मैनी वे। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और विदाउट प्रैक्टिकल वर्क आप मतलब साइंस को नहीं सीख सकते। और अगर आप साइंस सीखना चाहते हैं तो लेबोरेटरी पर आपको काम करना ही होगा। बिना काम किए लेबोरेटरी पर आप साइंस नहीं सीख सकते। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन बायोलॉजिकल साइंस। देखो अगर ये आपका अगर क्वेश्चंस आया शॉर्ट टाइप पे ही ये आएंगे तो ये पहले लिख लेना हेडिंग, मतलब इंट्रो थोड़ा दे के ही ये वाला हेडिंग दे के इसके अंडर पॉइंट्स लिखना। ओके, आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। हमेशा कुछ भी लिख रहे हो तो थोड़ा उसका इंट्रो देना, फिर मतलब डायरेक्टली आप आंसर पे जंप मत करना, थोड़ा उसका इंट्रो देना, फिर उसके बाद ही मतलब हेडिंग दे के उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो वाला आंसर देना। देखो पहला हमारा पॉइंट है द नॉलेज गेन थ्रू प्रैक्टिकल वर्क क्रिएट्स द परमानेंट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। जो मतलब प्रैक्टिकल पे जो हम लोग नॉलेज जो पाते हैं वो हमारे दिमाग पे एक परमानेंट वाला एक इम्प्रेशन बन जाता है। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक पे कुछ पढ़ रहे हो और उस टाइम आपके टीचर आपको कुछ दिखा दिए तो इसका मतलब क्या, मतलब वो परमानेंटली आप लर्न कर लेते हो। मतलब आप 6-7 महीना 2 साल के भी बाद अगर कोई पूछेगा तो उसका आप थोड़ा थोड़ा आंसर तो दे ही सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा कुछ करा के कुछ दिखा के बच्चों को सिखाओ ताकि वो चीज़ उनके दिमाग में परमानेंट ही रह जाए। इट इज़ बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये तो प्रिंसिपल पे ही हमारा बेस होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि प्रैक्टिकल पे हमेशा कुछ दिखाते हैं कुछ कराते हैं और लर्निंग बाय डूइंग का मतलब भी वही है कि कुछ करा के सीखना चाहिए, हमको कुछ करके ही सीखना चाहिए। ओके, थर्ड है हमारा पॉइंट इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। ये किस पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, फॉर ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक आउटलुक विच आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। देखो साइंस पढ़ाना का मतलब ये नहीं है कि जो जो साइंस पे है उसको हम लोग रट लेंगे। एक हमारे एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी होना चाहिए, एक साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। आजकल आप देखे होंगे जो भी मतलब साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ पे साइंस देखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको मान ही लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ भी अगर उनको दिखाओगे ना तो वो लोग फिर बोलते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है उसको आप रटा लोगे बच्चों को, एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी मतलब उनके पास होना चाहिए जो कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस है। मतलब साइंस पढ़ाना मतलब क्या कि बच्चों को हम एक लॉजिक वाला नॉलेज देना कि बच्चे हमेशा लॉजिक की ही बात करें। इट हेल्प्स इन द सेकेंड लास्ट पॉइंट है इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी गुड हैबिट लाइक कोऑपरेशन ऑनेस्टी इनिशिएटिवनेस सेल्फ डिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस
रिलायंस, ट्रूथफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस। जो प्रैक्टिकल लैब पे जो बच्चे करते हैं वहीं पे बहुत सारी चीज़ों का डेवलप होता है, बहुत सारे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। जैसे लैब पे क्या होता है, हम लोग अपने दोस्त के साथ काम करते हैं तो हमारा एक कोऑपरेशन एबिलिटी, ऑनेस्ट एबिलिटी, ये सारा हमारा डेवलप होता है। जैसे आप लैब पे मतलब जो बच्चे जो ग्रुप पे काम करते हैं, सपोज एक का कोई गलती हो गया तो हमारे पे एक कोऑपरेशन का मतलब डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको हम लोग गाली देते हैं कि तेरे वजह से ऐसे हो गया, तो हम लोग भी वही सोचते हैं कि अच्छा हो गया, हाँ हो गया, कुछ बात नहीं, और एक बार इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। तो हमारे में एक ऑनेस्टी, कोऑपरेशन का एक एबिलिटी डेवलप होता है जब हम लोग ग्रुप पे काम करते हैं। इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द फैक्ट टॉट इन थ्योरी क्लासेस, ये वाला क्लासेस होगा, मतलब जो क्लास पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो सच्ची पे है या नहीं, वो हम लोग प्रैक्टिकल पे उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का आप चैप्टर मान लो, क्योंकि ये सब कोई शायद उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग एक एसिड पे लिटमस पेपर डालते हैं तो ब्लू कलर से रेड कलर हो जाता है। अगर आपके टीचर हर वक्त सिर्फ यही बोलते रहेंगे तो आपके दिमाग पे उतना मतलब असर नहीं होगा। उस टाइम अगर आपके टीचर एक लिटमस पेपर ला के आपको मतलब लाइव अगर दिखा दिए तो मतलब आप एक वेरीफाई हो जाओगे कि हाँ सच्ची पे जो किताब पे लिखा हुआ है वो आप वेरीफाई कर लोगे। देन हमारा है इट क्रिएट इंटरेस्ट इन साइंस, ये साइंस पे एक आपको एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है। इट डेवलप स्किल इन हैंडलिंग द एपरेटस, जब हम लोग लैब पे जब जाते हैं तब हमको पता चल जाता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। जैसे कोई ग्लास का कोई चीज़ है तो मतलब उसको धीरे धीरे यूज मतलब पकड़ना चाहिए ताकि वो टूट ना जाए। कोई अगर नेसेसरी केमिकल है तो उसको अगर डायरेक्टली अगर छू लेंगे तो ये हमारा मतलब हाथ जल जाएगा। तो कैसे कैसे किसको हैंडल करना है इसका भी हमको नॉलेज हो जाता है। देन हमारा है इट डेवलप्स द स्किल ऑफ मेकिंग, रीडिंग, ड्राइंग डायग्राम, डिसेक्टिंग, माउंटिंग, प्रिजर्विंग। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लैब पे जब बच्चे लोग जब काम करते हैं तो उनका जो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो सारा भी चीज़ उनका डेवलप होता है, कि रीडिंग कैसे लेना चाहिए, डिसेक्टिंग कैसे करना चाहिए, एक चीज़ को कैसे रखना चाहिए। देखो आप जूलॉजी के अगर स्टूडेंट होंगे तो आप देखे होंगे एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर अगर कोई सांप है तो एक सांप को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, अंदर एक फॉर्मलिन सॉल्यूशन। आप देखे होंगे अंदर एक पानी होता है, वो एक्चुअली पानी नहीं होता है, वो फॉर्मलिन सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों को किसको कैसे प्रिजर्व करना है उसका भी एक आइडिया लग जाता है। इट देन हमारा इट इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो होगा ही होगा कि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को ये इम्प्रूव करता है। इट डेवलप द हैबिट ऑफ रीजनिंग एंड इट क्रिएट इंटरेस्ट फॉर रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब छोटा छोटा टॉपिक है, सॉरी छोटा छोटा पॉइंट है, ये सभी को पता है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लैब पे काम करते हैं हमारा एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हमारा एक रीजनिंग का हैबिट डेवलप होता है, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होता है, एक साइंस पे हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ओके बस इतना ही था, ये 13 पॉइंट थे। देखो हमारा है प्लानिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी बनाने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उससे के बारे पे ये बोला गया है। साइंस इज सच ए सब्जेक्ट दैट इट कैन नॉट बी टॉट थ्योरिटिकली बट प्रैक्टिकली। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थ्योरी के ही मतलब सिर्फ थ्योरी से उसको नहीं समझा सकते, आपको प्रैक्टिकल वर्क करना ही होगा। टू लर्न साइंस प्रैक्टिकली वी शुड हैव ए वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, द सेटिंग ऑफ द लेबोरेटरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्कूल, द टाइप ऑफ मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर आप साइंस अगर प्रैक्टिकली अगर सीखना चाहते हो तो आपको एक लैब चाहिए, उस लैब पे मतलब जो जो एपरेटस चाहिए वो भी होना चाहिए। ओके और आपका लेबोरेटरी, आपके स्कूल का लेबोरेटरी कैसा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका स्कूल, आपके मैनेजमेंट और आपके जो स्कूल का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो उसी पे ही डिपेंड करता है। जैसे आप कोई बहुत बड़े स्कूल पे या कोई बहुत बड़े कॉलेज पे पढ़ रहे हो तो वहीं पे देखना बहुत सारा चीज़ रहता है जो मतलब बहुत ही मतलब कॉस्टली होता है, वो सारा चीज़ वहीं पे होता है क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छा होता है। और ये आपके स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के स्कूल पे आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल के मैनेजमेंट कैसे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क उतना ध्यान नहीं देते, उनके मैनेजमेंट को ये लगता है कि बस मार्क्स आ जाएं, ये प्रैक्टिकल वर्क, ये एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारा साइड वर्क है। तो आपके ये स्कूल के मैनेजमेंट का भी एक मैनेजमेंट से ही मतलब आपको पता चलता है कि कैसा वाला स्कूल है, आपके साइंस के लैब कैसे होंगे।
द कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एजुकेशन इन सेकेंडरी स्कूल रिकमेंडेड द फॉलोइंग फैक्टर बिफोर प्लानिंग द साइंस लेबोरेटरी। तो पहला हमारा पॉइंट है द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग एट ए टाइम। अगर आप अपने स्कूल पे एक लैब खोलना चाहते हो तो पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है हमारा नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग एट ए टाइम। आपके सपोज आपके क्लास पे 40 बच्चे हैं और आप कोई छोटा वाला रूम का लेबोरेटरी बना रहे हो तो कैसे होगा। तो आपके मतलब ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक एक टाइम पे कितने कितने बच्चे लैब पे काम करेंगे। अगर आपके क्लास पे सपोज 40 बच्चे हैं तो एक टाइम पे लेबोरेटरी पे आप 20 बच्चों को ले जाओ, मतलब दो शिफ्ट कर दो, 20 वाले बच्चे पहले जाएंगे फिर नेक्स्ट 20 वाले बच्चे जाएंगे, ताकि वो जो लैब पे ओवर क्राउड ना हो। मिनिमम स्पेस नीडेड फॉर ईच पीपल टू वर्क कम्फर्टेबली। जैसे ये आपका लैब है तो यहीं पे कोई बच्चा रह रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस पे एक बच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका कोहनी उसके साथ लगता हो, तो ऐसा वाला भी हमको नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा वो जैसे कम्फर्ट फील हो के वो अपना काम कर पाए उतना स्पेस एक बच्चे को देना चाहिए। नंबर ऑफ साइंस टीचर वॉकिंग इन द स्कूल। एक स्कूल पे कितने साइंस टीचर है, ऐसा नहीं हो कि आपके क्लास के बच्चे हैं 100 और एक टीचर को आप दे दिए कि आप लैब संभालो। तो आपके साइंस टीचर पे भी ये डिपेंड करता है। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड फॉर ए स्टोर रूम। एक स्टोर रूम भी होना चाहिए जो आपके जो एक्सेस जो केमिकल होते हैं ना, बड़े बड़े डब्बे के केमिकल होते हैं, ये तो आप अपने लैब पे नहीं रख सकते ना, वहीं पे आप तो एक छोटा वाला डब्बा रखोगे। तो जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आप कैसे स्टोर करके रखोगे, उसके लिए एक स्टोर रूम भी होना चाहिए। इकोनॉमिक यूज ऑफ मटेरियल एंड अपैरेटस। देन है हमारा टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी। देखो इस वाले वीडियो पे हम लोग टाइप्स के बारे में डिटेल से तो डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्या क्या है टाइप्स के उसी के बारे में मैं बता दूंगी। पहला है हमारा लेक्चर रूम कम लेबोरेटरी प्लान, सेकंड है अल्पपर्पज लेबोरेटरी, थर्ड है लेक्चर कम लेबोरेटरी, लास्ट है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। ये चार टाइप के लेबोरेटरी आपके सेकंड यूनिट पे आपका डिस्कशन किया गया है और थोड़ा डिटेल से थोड़ा इसको डिस्कशन किया गया है। तो इसका एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो पे अगर मैं सारा डाल दूंगी तो मतलब आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे और मैं उतना पढ़ा भी नहीं पाऊंगी, मेरे लिए भी ये बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम पे आए तो थोड़ा उसका इंट्रो देना, उसके बाद हेडिंग देके जो आपका जो पॉइंट है ना, ये सारे जो पॉइंट है इसको आप लिखोगे, ओके। और अगर आपके पास अगर बहुत अगर थोड़ा टाइम अगर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो ये वाला भी लिख लेना कि क्या क्या टाइप्स के लेबोरेटरी हैं, और बस ये चार पॉइंट लिख लेना, बस बहुत काफ़ी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।